Hello everyone, I am Sarthak. I welcome you to Abhimanyu IAS, and I also welcome you to our initiative अभ्यास 2.0. ये initiative हमारा HCS prelims के लिए exclusively हमने launch किया है, जहाँ पर हम जितने भी important आपके MCQs होंगे, previous year questions and other questions as well, सारे के सारे को साथ deal करेंगे, यहाँ पर आपके सामने कराए जाएंगे. And this initiative is absolutely free of cost for you, where we bring out 2 videos daily. आपके लिए डेली एक जीएस की वीडियो आती है और एक सी सेट की वीडियो भी आती है आपके लिए डेली बेसिस पे. जीएस आपकी 6 PM पे रहती है और सी सेट आपके लिए 7 PM पे रहती है. सो जस्ट व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट कीप ऑन फॉलोइंग अभिमन्यू आईएएस टू गेट दीज काइंड ऑफ वीडियोस एट योर डेली. सो विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो फॉर द डे, एंड द टॉपिक फॉर टुडे विल बी इकोनॉमिक्स. आज इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम डील करेंगे, और आज का टॉपिक अपना रहेगा इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन से रिलेटेड थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस भी होंगे और थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे, बिकॉज एग्जाम के लिए आपका टॉपिक की क्लैरिटी, जिसके अंदर बेसिक क्वेश्चंस और थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, सब कुछ आपको कवर करना जरूरी है. सो विद दैट लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो. ओके, सो आज हमारा क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रिलेटेड टू इन्फ्लेशन. द फर्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट लेवल ऑफ हाई इन्फ्लेशन लेवल इन द इकोनॉमी लीड्स टू डैश इन द सप्लाई ऑफ मनी. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. बेसिकली आपसे क्या पूछ रहे हैं कि इन्फ्लेशन का इंपैक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमी के अंदर, राइट. आई जस्ट वांट टू टेल यू कि होता क्या है इसमें. दैट इज व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन कि हाई इन्फ्लेशन लेवल्स इन द इकोनॉमी लीड्स टू डैश इन द सप्लाई ऑफ मनी. इन्फ्लेशन से क्या होगा, ऑब्वियसली मनी सप्लाई बढ़ेगा. दैट इज व्हाट इन्फ्लेशन इज, राइट. हाई लेवल इन्फ्लेशन मतलब बहुत ज्यादा पैसा हो जाना मार्केट के अंदर. सो डेफिनेटली इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं आपके, इंक्रीज, डिक्रीज, नो चेंज एंड नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डेफिनेटली इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी, राइट. सो हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी लीड्स टू इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी, राइट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द आंसर विल बी ए. डैश कंपेयर्ड इन्फ्लेशन विद रॉबर्स. ये 4 मेन इकोनॉमिक्स के नेम्स हैं आपके आगे, राइट. इन्होंने अपनी जो बुक्स लिखी हैं उसके अंदर इन्फ्लेशन को रॉबर से कंपेयर किया है. इनमें से किसी एक ऑथर ने, उनके नेम्स क्या हैं, अमर्त्या सेन, प्रोफेसर ब्रह्मानंद एंड वकील, प्रोफेसर जगदीश भगवती एंड प्रोफेसर की, राइट. आप यू नीड टू टेल इन 4 में से किसने इन्फ्लेशन को रॉबर से कन्वर्ट किया है. माइंड यू, आपके एग्जाम के लिए भी जितने भी इंपॉर्टेंट ऑथर्स होते हैं इकोनॉमी के अंदर, राइट. एडम स्मिथ हो गया आपने, राइट. जे.एम. कीन्स हो गए, अमर्त्या सेन, और जितने जो भी इस क्वेश्चन में जितने भी लिखे हुए, ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनकी इंपॉर्टेंट जो पब्लिकेशंस होती हैं, जो बुक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं, जो बेसिकली इनके ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़ा बहुत उनके बारे में पता भी होना चाहिए, बेसिक आइडिया क्या है सबके बारे में, बिकॉज दैट कुड बी आस्क्ड इन द एग्जाम. एंड एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, प्रोफेसर ब्रह्मानंद एंड वकील. दे कंपेयर्ड इन्फ्लेशन विद रॉबरी. वकील एंड प्रोफेसर ब्रह्मानंद, ये ब्रह्मानंद है, ओके, compared inflation with two thieves. They claim that both take something away from the inflation victim. Inflation is the popular term in economics, right? उन्होंने कहा कि जैसे रॉबर्स भी कुछ ना कुछ आपसे आपके लेके चले जाते हैं विक्टिम से, तो सेम वे इन्फ्लेशन भी क्या काफी कुछ आपसे लेके चली जाती है. इस वे में उन्होंने कंपेयर किया था. यस, यू नीड टू नो प्रोफेसर ब्रह्मानंद एंड वकील, ही कंपेयर्ड रॉबर्स विद इन्फ्लेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following concepts is the opposite of inflation? हमने इन्फ्लेशन देख लिया. इन्फ्लेशन के अंदर क्या है, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, राइट. सो नाउ व्हाट इज द अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब अपोजिट जहां पर डिक्रीज हो जाएगा मनी सप्लाई, मार्केट के अंदर मनी बहुत ज्यादा कम हो जाए, डिमांड घट जाए बेसिकली. सो ऑप्शन है आपके डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, रिसेशन एंड नन ऑफ द अबव, राइट. माइंड यू, अगर नहीं पता तो वो सारे के सारे ऑप्शन आपको करेक्ट ही लग रहे होंगे. डिफ्लेशन भी लग रहा है, यस, स्टैगफ्लेशन भी लग रहा है, रिसेशन भी लग रहा है, रिसेशन हम सुनते भी रहते हैं. बट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, डिफ्लेशन. एंड माइंड यू, यू नीड टू नो अबाउट दीज टू एज वेल. आगे भी क्वेश्चंस करेंगे, उनमें ये भी कवर हो जाएंगे. तो डिफ्लेशन विल बी द अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, राइट. डिफ्लेशन मीन्स जिसके अंदर क्या होगा, मनी सप्लाई मार्केट के अंदर डिक्रीज होगा, right. The correct answer, deflation. Deflation is the decrease in the general price level of goods and services. जब प्राइस है गुड्स का, सर्विसेज का, वो डिक्रीज हो जाए, yes or no, चीजें सस्ती होने लग जाए, राइट. हमें अच्छा तो लगेगा बट इकोनॉमी के लिए वो अच्छी चीज नहीं होती. एक पर्टिकुलर लेवल के बाद डिफ्लेशन बहुत ही गलत सही चीज नहीं रहती इकोनॉमी के लिए, बिकॉज उस केस में क्या होगा कि चीजों की डिमांड ही नहीं हो रही, तभी उनके प्राइस लेवल घट रही हैं। तो डिमांड ना होने का मतलब कि इकोनॉमी सही से वर्क नहीं कर रही, प्रोडक्शन का घट जाना। अब प्रोडक्शन डिक्रीज होने से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, राइट। जब फैक्ट्री के अंदर जब प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो वो पे आउट कहाँ से कर पाएंगे, तो लोगों को वो शेड इन करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दैट इज व्हाट इम्पैक्ट्स ऑफ डिफ्लेशन एज वेल। तो मार्केट के अंदर हमेशा एक पर्टिकुलर कुछ मिनिमम ऑप्टिमम लेवल पे इन्फ्लेशन हमेशा ऑल द टाइम शुड बी देयर। दैट इज द रीजन कि हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उनको बोला जाता है ना कि 2 to 6% मतलब 4% के अराउंड इन्फ्लेशन को मेंटेन करके रखना इकोनॉमी में। यही रीजन होता है कि कुछ पर्टिकुलर लेवल की इन्फ्लेशन मतलब जनरल लेवल प्राइस राइज हर टाइम रहना चाहिए ताकि डिमांड बनी रहे, इकोनॉमी चलती रहे। यस और नो, आई होप चीजें समझ में आई होंगी। बट एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, द करेक्ट आंसर विल बी डिफ्लेशन विच इज द अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, राइट। नेक्स्ट, अ गवर्नमेंट रिजोर्ट्स टू डैश टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन मार्केट में बढ़ जाए, राइट, अगर इन्फ्लेशन मार्केट में बढ़ जाए तो गवर्नमेंट क्या ऑप्शन चूज करेगा, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाएगा। इन आउट ऑफ दीज 4 व्हाट विल बी द करेक्ट वे, राइट, और यू कैन से व्हाट विल बी आउट ऑफ दीज 4 व्हाट विल बी द अप्रोप्रिएट स्टेप। फर्स्ट इज cut in government spending, then increase in government expenditure, then reduction in repo rate, and then none of the above. ऑप्शन एक एक करके देखते हैं, राइट। हमें क्या करना है, हमें इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना है। इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि मार्केट में मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है, राइट। जितना एग्जिस्ट कर रहा है मनी सप्लाई डिक्रीज हो, मतलब मार्केट में मनी कम से कम जाए। तो उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन अगर देखें, कट इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यस। गवर्नमेंट कट इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यस। अगर गवर्नमेंट कम स्पेंड करेगी, राइट, तो डेफिनेटली लोगों के, गवर्नमेंट जो स्पेंड करती है पैसा एक्सपेंडिचर, वो घूम फिर के कहाँ आता है, वो लोगों पब्लिक के पास जाता है, राइट। इकोनॉमी इसी तरीके से वर्क करती है, गवर्नमेंट ने स्पेंड किया, इंफ्रा पे लगाया और घूम फिर के वो लोगों के हाथ में जाएगा। तो अगर ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली उसके इसमें तो इन्फ्लेशन और बढ़ती जाएगी, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज होता चला जाएगा अगर वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करते चले जाएंगे। सो डेफिनेटली देयर शुड बी कट इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कम से कम एक्सपेंडिचर हो, कम स्पेंड करे गवर्नमेंट। सो दिस विल बी करेक्ट ऑप्शन। देन बी ऑप्शन, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नो। अभी बताया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो लोगों के हाथ में पैसा बढ़ेगा, तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन ज्यादा होगी उल्टा उस केस में, तो डेफिनेटली बी ऑप्शन नहीं होगा। देन रिडक्शन इन रेपो रेट, नो नो, व्हाई, बिकॉज इसके ऊपर आप मेरा लेक्चर देख सकते हो। ऑलरेडी मैंने एक टॉपिक रेपो रेट पे अलग से एचसीएस के लिए अपने ये टॉपिक रिकॉर्ड करके डाला हुआ है। यू कैन चेक आउट व्हाट इज रेपो रेट, हाउ डज इट वर्क। बाय द वे यहां के लिए बता दूं, अगर रेपो रेट को डिक्रीज करेंगे तो उस केस में क्या होगा, बैंक्स को जो है लोन सस्ता मिलेगा आरबीआई से। जब बैंक्स को लोन सस्ता मिलेगा, चीपर रेट पे मिलेगा, तो आगे जो वो भी लोन घुमाएंगे वो चीपर रेट पे घुमाएंगे। तो जनरल पब्लिक को इजी, सस्ते, चीप लोन मिलेंगे, तो ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा मार्केट में पैसा आएगा। उस केस में भी क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। ऑल इन ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि व्हेन इन्फ्लेशन इज हाई, जब इन्फ्लेशन ज्यादा होती है तो रेपो रेट को बढ़ाया जाता है, और जब इन्फ्लेशन कम होती है, राइट, जब इन्फ्लेशन कम होती है, मार्केट में सप्लाई बढ़ाना है, उस केस में रेपो रेट को डिक्रीज करेंगे। तो इन्फ्लेशन को अगर डिक्रीज करना है, इन्फ्लेशन कम करनी है, तब रेपो रेट को इंक्रीज करेंगे। लेकिन अगर इन्फ्लेशन बढ़ानी है, राइट, उस केस में रेपो रेट को डिक्रीज किया जाएगा। सो दिस विल बी द रॉन्ग आंसर इन दिस क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। इट वॉज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज वाई आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द 3 ऑप्शंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the price levels of goods, right, and services are falling continuously, this phenomena is called as, when the price level of goods and services are falling continuously, this phenomena is called as, जब प्राइस बहुत ज्यादा डिक्रीज होते चले जाएंगे कंटिन्यूअस बेसिस पे, तो क्या उसका आंसर होगा। ऑप्शन है आपके सामने, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन है, और नन ऑफ द अबव। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर सारे के सारे दे पा रहे होंगे, बिकॉज हम ऑलरेडी इसको इनडायरेक्टली देख चुके हैं जब हमने इन्फ्लेशन का अपोजिट देखा था, राइट। नहीं देखा तो प्लीज वीडियो को अगर दोबारा से स्टार्टिंग से देख लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, डिफ्लेशन एंड नॉट स्टैगफ्लेशन। और इन्फ्लेशन तो इनफैक्ट जनरल राइज इन प्राइस एंड लेवल है, तो ये भी नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, डिफ्लेशन, सी ऑप्शन ए। देन ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिस वन, प्लीज डू टेक अ नोट ऑफ इट। इस सेंस में डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है, इफ too much money is chasing too few goods, if too much money is chasing too few goods, the resulting inflation is, right। अगर ऐसी टर्म जब यूज करी जाती है ना, if too much money is chasing too few goods, तो ऑप्शंस हैं आपके, पहली बात तो स्टैगफ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एंड डी नन ऑफ द अबव, राइट। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन सी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसके अंदर क्या होगा, सी दो चीजें होती हैं, एक प्रोडक्शन साइड है, एक आपकी डिमांड साइड है जो क्लाइंट साइड पब्लिक साइड है, राइट, जो एक्सपेंडिचर कंज्यूमर साइड है। वन इज प्रोडक्शन साइड, प्रोड्यूसर साइड प्रोडक्शन एंड अदर इज कंजम्पशन एंड, मतलब जो कंज्यूमर वाले एंड से दो चीजें होती हैं। लेट से कि जो कंज्यूमर्स है यहां पर ये क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। डिमांड कब कर ज्यादा करेंगे, इनके पास अगर ज्यादा पैसा हो जाए, लोगों के पास अगर ज्यादा पैसा हो जाए, लाइक मनी इंक्रीजेस इन द हैंड, मनी सप्लाई इंक्रीजेस, तो उस केस में क्या होगा, ज्यादा पैसा आएगा आपकी, लेट से सैलरी बढ़ती है लोगों की, तो नॉर्मली क्या होता है, लोगों की सैलरी बढ़ती है, उनकी डिमांड बढ़ती है, ज्यादा डिमांड करते हैं, हम ज्यादा परचेज कर सकते हैं, हमें आईफोन भी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो दैट सेंस में अगर डिमांड बढ़ रही है, टू मच डिमांड, बट प्रोडक्शन उतनी ही है, प्रोडक्शन अगर ना बढ़े, चीजों का प्रोडक्शन एक लिमिट तक ही है, उस केस में क्या होगा, डेफिनेटली चीजें महंगी हो जाएंगी। वही वाली, जब डिमांड ज्यादा है प्रोडक्शन कम है तो उन चीजों की वैल्यू क्या है, इंक्रीज हो जाएगी, महंगी हो जाएंगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी। इस टाइप की इन्फ्लेशन को बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। बिकॉज ऑफ डिमांड द इन्फ्लेशन हैज बीन पुल्ड अप, राइट। डिमांड पुल इन्फ्लेशन के लिए क्या बोलेंगे, सो इफ टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स, सी मनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा पैसा है, बट गुड्स फ्यू है, so if too much money is chasing too few goods, that inflation will be called as demand pull inflation, because of the demand the inflation has been pulled up, right? ये consumer side से होती है। So the correct answer for this will be option C, okay? Demand pull inflation causes upward pressure on prices due to shortage in supply, a condition that economists describes as too many dollars consuming too few goods. An increase in aggregate demand can also lead to this type of इन्फ्लेशन, राइट। आई होप इसे समझ में आई होंगी, राइट। इट वॉज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट्स वाई आई वॉज एक्सप्लेनिंग इट। नेक्स्ट, ओके, द मेन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया आर, राइट, द मेन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, सेकेंड, ओके, नाउ द मेन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, ऑप्शन हैं आपके इनएडिक्वेट राइज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इरेटिक एग्रीकल्चर ग्रोथ, डेफिसिट फाइनेंसिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव, राइट। सो मेन कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, अब इसको ऑप्शन वाइज देखते हैं। इन एजुकेट राइज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यस, इंडिया के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये कि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जितनी लेवल पे होनी चाहिए उतनी एजुकेट लेवल पे नहीं है, बहुत ही कम है उससे। हमारे यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है अपना, उसके अंदर बहुत ज्यादा लैग है, कहीं ना कहीं काफी अच्छी चीजें भी हो सकती हैं, उसके अंदर काफी इंप्रूवमेंट आ सकते हैं, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अपने ऑप्टिमम लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं। वहां पर और ज्यादा प्रोडक्शन हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैन परफॉर्म वेरी वेरी वेल, राइट। तो डेफिनेटली ये इन्फ्लेशन का एक कॉज है, राइट, बिकॉज चीजें उतनी ज्यादा नहीं प्रोड्यूस हो रही, गुड्स आर फ्यू, जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, डिमांड के आगे जो प्रोडक्शन है बहुत कम है, तो ऑब्वियसली जब डिमांड के प्रोडक्शन कम होगी तो क्या होगी, इन्फ्लेशन आएगी, चीजें महंगी हो जाएंगी, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो प्राइस क्या बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, प्राइस लेवल जो होगा गुड्स और सर्विसेज का डेफिनेटली वो इंक्रीज होगा, राइट, बिकॉज एक बैलेंस पे काम करती हैं चीजें। डिमांड सप्लाई का जब बैलेंस होता है, अगर उसमें कुछ ऊपर नीचे होता है, तब चीजें क्या होंगी, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तब आपके जो प्राइस लेवल क्या होता है, हाई हो जाता है। जनरल प्राइस लेवल बढ़ने का मतलब इन्फ्लेशन, कि ये डिमांड सप्लाई का बैलेंस है, अगर डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ रहा तो डेफिनेटली प्राइजेस विल गो अप, राइट, जनरल लेवल प्राइसेस विल गो अप, मतलब एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ रही है, एग्रीगेट सप्लाई उतना नहीं बढ़ रहा तो डेफिनेटली प्राइस बढ़ेगा। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या तरीका है, या तो डिमांड को नीचे ले आओ या फिर सप्लाई को बराबर कर दो, तो वहीं पे वो किया जाता है कि मनी सप्लाई को बढ़ाया दिया जाता है उस केस में, या कम कर दिया जाता है, ऑल दैट। सो फर्स्ट ऑप्शन तो डेफिनेटली करेक्ट होगा। देन इरेटिकेट एग्रीकल्चर ग्रोथ, यस, डेफिनेटली 70% इंडियंस जो है फार्मिंग पे डिपेंडेंट है, स्टिल हमारा जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15 से 20% के बीच में ही रहता है एग्रीकल्चर का। तो क्या बताता है वो कि जितनी ज्यादा ग्रोथ होनी चाहिए उससे बहुत ही कम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे दिक्कत क्या है, एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है, टेक्नोलॉजी उतनी जरूरत नहीं, यूज नहीं कर रहे एग्रीकल्चर के अंदर, तो आउटपुट नहीं निकल के आता, अभी भी पुराने उनपे टूल्स पे टिके हुए हैं कई जगह पर। तो इनफैक्ट इरीगेशन की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, राइट, इरीगेशन की प्रॉब्लम है, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत आती है, रेनफेड डिपेंडेंट है हमारा एग्रीकल्चर अभी भी। सो दीज आर सर्टेन इश्यूज विच आर इन द इंडियन एग्रीकल्चर इज स्टिल फेसिंग, एंड इट हैज लेड टू इरेटिक एग्रीकल्चर ग्रोथ, एंड इट हैज ऑल्सो लेड टू राइज इन इन्फ्लेशन, बिकॉज उससे क्या होगा, अगेन वही सप्लाई लिमिटेड होगा, उतना आउटपुट नहीं निकलेगा, डिमांड ज्यादा रहेगी तो आउटपुट उतना बन नहीं रहा, तो डेफिनेटली उससे क्या होगी, इन्फ्लेशन आएगी, प्राइस लेवल इंक्रीज होंगे, right? So second will be also there. Then deficit financing. What is deficit financing? Although now it is banned, अब allowed नहीं है, but पहले allowed थी, तो इसकी वजह से भी काफी ज्यादा इन्फ्लेशन हुई है। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है, इन केस की उनको फुलफिल करने के लिए, उसका कुछ पर्टिकुलर अमाउंट फुलफिल करने के लिए अगर आरबीआई नई करेंसी इशू कर दे उसके लिए स्पेशली, तो उससे क्या होगा, अब आरबीआई नई करेंसी ऐसे इशू करेगी, जब अपनी लायबिलिटी बढ़ाती जाएगी तो डेफिनेटली मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज होगा और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा राइज करेगी, राइट? वरना ऐसा तो करते रहेंगे। दैट इज द रीजन कि डेफिसिट फाइनेंसिंग को बैन किया गया था, गवर्नमेंट ने रोका था, इस पे प्रोविजन लगाया था कि नहीं, डेफिसिट फाइनेंसिंग अलाउड नहीं करेंगे ऐसे रूप से, राइट? तो इससे भी क्या होती है, इन्फ्लेशन होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑब्वियसली ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ऑल आर द कॉजेज ऑफ इरेटिक इन्फ्लेशन राइज इन इंडिया, राइट? सी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन इज नोन एज, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैग्नेंट ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों जब इकट्ठी हो। But before that, let us see the options. Option A stagflation, B cost push inflation, then demand pull inflation, and D none of the above, right? So the correct answer क्या होगा इसका, obviously option A, stagflation. See, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली stagnant growth और इन्फ्लेशन दोनों इकट्ठी हो रही होंगी। जनरली क्या होता है कि इन्फ्लेशन के बढ़ने के साथ, एक मैंने बताया स्टार्टिंग में भी कि इन्फ्लेशन का बढ़ना जरूरी होता है, अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है तो उस केस में ग्रोथ होती है, बिकॉज डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, इकोनॉमी चल रही है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल होना चाहिए। लेकिन ये एक स्पेशल केस है स्टैगफ्लेशन, जहां पर क्या होगा, इन्फ्लेशन ही बढ़ती चली जा रही है, महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन ग्रोथ भी नहीं हो रही, ग्रोथ भी रुकी हुई है, तो बहुत ही वर्स कंडीशन है बेसिकली इकोनॉमी की, बहुत ही बेकार कंडीशन है कि महंगाई बड़े पे बढ़ी जा रही है बट ग्रोथ रुकी हुई है, ग्रोथ हो नहीं रही, तो दैट कंडीशन इज नोन एज स्टैगफ्लेशन, राइट? This is one is important concept to remember. It can be asked in the exam as well. That's why I have included this question, and you should know about it. That what is stagflation? It is the mixture of stagnant growth and inflation, and it is not at all a good condition for an economy. Because if there is an inflation, there should be growth in the economy. कुछ ना कुछ growth definitely होनी चाहिए. Yes or no? I hope चीजें समझ में आई होंगी ये वाली भी. Okay, next. Inflation is measured by. Inflation इनमें से कौन से इंडेक्स से मेजर करी जाती है? ऑप्शंस हैं आपके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बी होलसेल प्राइस इंडेक्स, सी बोथ ए एंड बी, और डी नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सो द करेक्ट आंसर विल बी सी बोथ ए एंड बी। इन्फ्लेशन के जो इंडेक्स है बेसिकली इंडिया में कौन कौन से हैं, सीपीआई एज वेल एज डब्ल्यूपीआई, वेयर सीपीआई स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड डब्ल्यूपीआई स्टैंड्स फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स, राइट? Just a second. Okay, so inflation is measured by CPI and WPI, right? CPI stands for consumer price index and WPI stands for wholesale price index. Basically इनमें difference क्या होता है कि consumer price index जो consumption side से जो है, right, उन goods को introduce करते हैं, इसके अंदर ज्यादा वेटेज होती है goods की, basket of goods कौन से जो consumption side से as consumers जो हम general public जो use करती है उनको ज्यादा priority दी जाती है। Whereas होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है अपना WPI, इसके अंदर क्या प्रोडक्शन साइड से, राइट, जो प्रोडक्शन साइड से जो गुड्स बन रहे हैं उनको ज्यादा वेटेज दी जाती है। सो जब आरबीआई को जब कंसीडर करना होता है कि कंज्यूमर एंड पे कितनी इन्फ्लेशन है, तब सीपीआई कंसीडर करेंगे वो, लेकिन जब प्रोडक्शन एंड पे देखना होगा तो WPI देखेंगे वो, राइट? सो द करेक्ट आंसर विल बी बोथ ए एंड बी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, when inflation is a result of an increase in the price of factors of production, the result is, right? Okay, remember अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि ये प्रोडक्शन साइड है और एक कंजम्पशन साइड है। जब कंजम्पशन साइड क्या होती है, डिमांड बढ़ती है, राइट, यहाँ मनी सप्लाई बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है, तो उससे क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। बट वेन द कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स, मतलब प्रोडक्शन साइड जो है, यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स है, मतलब प्रोडक्शन साइड जो गुड्स यूज हो रहे हैं, जो कोर फैक्टर्स लग रहे हैं, इनपुट लग रहे हैं, अगर वो महंगा हो जाए, उसकी कॉस्ट बढ़ जाए, तो उस वजह से जो इन्फ्लेशन होगी उसको क्या बोलेंगे, कॉस्टफ्लेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, कॉस्टफ्लेशन, नॉट स्टैगफ्लेशन एंड नॉट डिमांड पुल इन्फ्लेशन। व्हेन इन्फ्लेशन इज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, द रिजल्ट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड करती है, जब प्रोडक्शन साइड से डिमांड बढ़ती है, इट विल पुल इन्फ्लेशन अप, Whereas when the cost of if input factors increases, it will push the inflation. Cost push inflation. राइट, ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. प्लीज डू रिमेंबर बोथ दीज कंसेप्ट्स, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एज वेल एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. राइट, ये पुल और पुश में कंफ्यूज नहीं होना. डिमांड के साथ पुल है, कॉस्ट के साथ पुश है. राइट, नेक्स्ट. ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर द डे. आज के लिए यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे. बट बिफोर एंडिंग द वीडियो आई हैव एन इंपॉर्टेंट थिंग टू शो यू. दिस बैच, राइट, वी हैव ऑलरेडी लॉन्च. हमने आपके लिए एक HCS प्रीलिम्स के लिए एक फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च कर रखा है विच इज एक्सक्लूसिवली फॉर HCS. 75 डेज का ये कोर्स है, राइट, और इसकी फीस आपके सामने लिखी हुई है. इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन, राइट, इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर HCS प्रीलिम्स. आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. ऑनलाइन क्लासेज, यू विल बी गेटिंग ऑफलाइन क्लासेज, ऑनलाइन क्लासेज, CSAT क्लासेज, PDF, नोट्स, टेस्ट सीरीज, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, पूरी प्रॉपर टेस्ट सीरीज सेपरेट. Then you will be getting the biggest thing, mentorship मिलेगी आपको live. I will be also teaching you there. मैं यहाँ पे आपको proper guidance मिलेगी, सब कुछ जो भी आपको चाहिए. कोई भी doubt है, कैसा भी doubt है, सर nervousness हो रही है, कैसे पढ़ना है, कितना syllabus करना है, कितने घंटे देने हैं, every question you will be answered there. You don't need to worry. We will ensure कि आप सही direction में बैठे हो, सही तरीके से आपकी तैयारी हो रही है, proper strategy के साथ तैयारी हो रही है, so that आपका HCS prelims clear हो and you get ready for the next stage. और prelims आपको पता ही है 11 फरवरी को होने वाला है. So be ready with that, and only for that we have one-stop solution for you. And if you want to enroll in that course, this course the registration link is provided in the description box. और नीचे support number भी है. आपकी कोई भी inquiry या support number पे call करके आप अपनी query को resolve कर सकते हो. And with this, I wish you all best of luck. Until our next video, take care and bye bye. Thank you.